प्रज्ञान के मंच पर आज एक साथ स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए आईएएस आईपीएस और पीसीएस अधिकारी एक साथ उपस्थित रहे। मौका था प्रतिभा सम्मान समारोह का, अर्थात जो स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं और जेईई की शिक्षा पद्धति के चलते उच्चतम अंक प्राप्त करने में सफल हुए हैं उनके प्रोत्साहन का। ये हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में कि हम हर सफलता को यहाँ जश्न के रूप में मनाते हैं और आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत ही अपने इस उत्साहवर्धक माहौल के साथ जारी है। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केरल की पूर्व प्रमुख गृह सचिव मिस निवेदिता हरण रही, जिन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा और मैनेजर हरीश कुमार शर्मा के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया और उपस्थित प्रतिभाशाली स्टूडेंट को मोटिवेट किया। चीजें हमें ध्यान में with so many other commercial establishments, corporate sector coming into Jewar, so many housing companies. Jewar बहुत ही एक हमारा focus स्थल होने वाला है. What is needed? And I keep saying that to the CEO whenever I meet him. Jewar में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी vocational training. You need to be prepared that when the airport comes up. Airport will have so many other ancillary industries, hospitality, IT sector, many other sectors are going to come. And we should be prepared for that. How are we going to be prepared? We should have people who are trained in that sector. Which training is needed now? We should start now to be ready in 1 year's time. So my request will be, using all our resources, we should make sure that there is ample scope for vocational training so that when the requirement comes, we don't have to get people from outside. Hamare apne bache hi yahan train ho taki unko yahan pe job mil sake. That is why this training is so important. तो दोस्तों, आज प्रज्ञान में उन सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया और उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में विशेष स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा जो 90 प्लस स्टूडेंट्स थे उनको विभिन्न सब्जेक्ट के साथ में अथवा उनकी क्लास में एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद आज स्कॉलरशिप भी भेंट की गई, अर्थात उन्हें जो भी पारितोषिक था वो भी भेंट किया गया। और आज कार्यक्रम में जेवर एसडीएम अभय प्रताप सिंह, इसके अलावा सीओ जेवर और जो मुख्य अतिथि रहीं आज वो रहीं मैम निवेदिता जो कि आईएएस अधिकारी हैं, और उन्हीं सभी के द्वारा आज बच्चों को सर्टिफिकेट्स भेंट किए गए और उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। जेवर प्रेस के साथ लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।